गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रकाश का विक्षेपण, मतलब प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उस विक्षेपण पे आधारित कोई प्राकृतिक घटना जैसे इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखो, इस पाठ में हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसे आगे भी हम पढ़ेंगे जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन, तो इनके ऊपर भी कोई ना कोई प्राकृतिक घटना ऐसी है जो इनके ऊपर आधारित होती है। जैसे प्रकाश के विक्षेपण के ऊपर आधारित है इंद्रधनुष का बनना, तो आज हम पढ़ रहे हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बारिश के मौसम में जब बारिश भी हो रही होगी और धूप भी अगर निकली है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वास्तव में इंद्रधनुष क्या है? 7 रंगों का एक वर्णक्रम है जो एक चक्र के रूप में हमें दिखाई देता है आकाश में, कब? जब बारिश भी होती है और साथ में धूप भी निकली हो। लेकिन याद रखना, इंद्रधनुष हमें जब दिखाई देता है तो वो हमें हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। मतलब अगर सूर्य इस साइड है तो इंद्रधनुष आगे दिखाई देगा। इंद्रधनुष दिखने के क्या कारण है? देखो, ये एक प्राकृतिक वर्णक्रम है। इंद्रधनुष प्राकृतिक वर्णक्रम का मतलब है रंगों का एक पैटर्न, उसको कहेंगे वर्णक्रम। तो इंद्रधनुष प्राकृतिक वर्णक्रम है। कैसे बनता है? जब बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती हैं बादलों से और उनके ऊपर धूप पड़ती है तो बारिश की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। अब प्रिज्म जो कार्य करता है वो हम पढ़ चुके हैं। प्रिज्म क्या करता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे गिरता है तो उसमें से वो गुजर के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वैसा ही काम अब जब बूंदों ने प्रिज्म की भांति कार्य किया है तो वो क्या करेंगी? वो भी तो उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देंगी। किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। जैसे देखो भाई, जैसे सूर्य है, सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है। श्वेत प्रकाश की कोई किरण है ए बी, ये कोई बारिश की बूंद है जो मैंने बनाई है, ये बारिश की बूंद है। तो जो ये ए बी प्रकाश की किरण है, ये बारिश की बूंद से इस बी पॉइंट पे टकराती है। हमें पता है कि प्रकाश की जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाएगा। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि प्रिज्म जो है वो प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो इसका अपवर्तन तो होगा ही, साथ में इसका विक्षेपण भी हो जाएगा। मतलब ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। क्यों होती है 7 रंगों में विभाजित? मैंने बताया था इसका कारण कि सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं सबकी गति किसी अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यहाँ ठीक था, यहाँ कोई माध्यम ही नहीं है तो यहाँ तक सभी की गति समान है, एक साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जब वो पानी में प्रवेश करते हैं या कांच में प्रवेश करते हैं तो उस अलग माध्यम में उनकी गति अलग अलग होगी, इसलिए वो बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो 7 अलग अलग दिखाई दे जाएंगे अभी, ठीक है। उनका अपवर्तन की दर भी अलग अलग है। मतलब किसी का अपवर्तन अलग होता है, किसी का अपवर्तन ज्यादा होता है, किसी का अपवर्तन कम होता है। सॉरी, थोड़ी बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी भाई, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी, बार वो गाय भय कर रही थी। तो मैं क्या बता रहा था भाई, तो सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश की किरण आती है वो इस बिंदु से टकराकर उसका अपवर्तन होता है और वो 7 रंगों में विभाजित भी हो जाती है। उसके बाद जब ये 7 रंग इस पर जो बूंद के अंदर जो सतह है इसे टकराएगी तो उसका अंदर अपवर्तन नहीं होएगा, वो टकराकर अंदर ही मुड़ेगी, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका अंदर टकराकर अंदर ही चलेगी, इसलिए देखो आंतरिक परावर्तन बोला, अपवर्तन नहीं कहा उसने, परावर्तन कहा उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद जब ये प्रकाश की किरणें दोबारा से इस सतह पे टकराएंगी या इस बिंदु पे टकराएंगे डी बिंदु पे, तो देखो ये एक माध्यम है, ये जल है, जब जल से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका फिर से अपवर्तन होगा, ठीक है। अपवर्तन होगा सघन माध्यम से, वो गई है विरल माध्यम में,
तो वो अभिलंब से दूर जाएगी। तो इस प्रकार ये सात रंग, पहले प्रकाश की किरण का क्या हुआ, अपवर्तन, फिर क्या हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद फिर से अपवर्तन हुआ और यहां हम खड़े हैं, तो ये सात रंग हमारी आंखों में पहुंचेंगे, तो हमें एक सात रंगों का चक्र दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पानी की बूंद गोल है, तो जो इंद्रधनुष है वो भी हमें गोल ही दिखाई देता है। इसमें सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो रेड होगा, लाल होगा, और सबसे नीचे का रंग जो होता है वायलेट होता है। ये तो हमें पता ही है कि श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं, और उसमें जो सबसे ऊपर होता है वो लाल रंग होता है, सबसे नीचे जो वायलेट रंग होता है। तो इस प्रकार हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। देखो हमें पता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल है तो वायु से ही मिलकर बना हुआ है, और इस वायु में अलग अलग परतें हैं। हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि हमारा वायुमंडल अलग अलग परतों में बटा हुआ है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हम उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है स्ट्रेटोस्फियर, फिर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है मीजोस्फियर। तो वायुमंडल जो है वो अलग अलग परतों से बना हुआ है, और वायुमंडल देखो कितनी मोटाई है वायुमंडल की। तो वायुमंडल में वायु है तो वायु ही, लेकिन उस वायु का तापमान नीचे वाली परत, बीच वाली परत या उससे ऊपर वाली परतों में अलग अलग होता है, मतलब एक समान तापमान नहीं होता, कहीं तापमान अधिक होता है, कहीं पे तापमान कम होता है। और देखो तापमान में विभिन्नता है, पता चल गया। अब तापमान में विभिन्नता है तो हमें पता है कि जो ठंडी वायु होती है वो होती है सघन, अधिक सघन होती है, और जो गर्म वायु होती है वो होती है विरल। तो जब तापमान में अंतर आ गया तो उनके घनत्व में भी अंतर आ गया, घनत्व में अंतर आने से वो माध्यम ही अलग बन गया। तो जो गर्म वायु होती है वो विरल माध्यम हो गया, और जो ठंडी वायु होती है वो सघन माध्यम हो गया। अब उनका प्रकाशिक घनत्व भी अलग अलग है। प्रकाशिक घनत्व का मतलब है भाई, मान लो जैसे जल है, जल जिस उसमें से जाएगा उसके बाद वायु में प्रवेश करेगा, तो उनका प्रकाशिक घनत्व अलग अलग होता है। और जब भी दो माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अलग अलग होता है तो वो दोनों माध्यम प्रकाश की किरणों को अलग अलग दर से मोड़ते हैं। तो तापमान बदलने से वायुमंडलीय परतों का प्रकाशिक घनत्व अलग अलग हो जाएगा, तो वो बन जाएंगे अलग अलग माध्यम। अब जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है वायुमंडल में, तो वह वायुमंडल की अलग अलग परतों को क्रॉस करता हुआ हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। अब मैंने बता दिया वायुमंडल की परतों का तापमान तो अलग अलग है, अब अलग अलग तापमान से उनका प्रकाशिक घनत्व भी अलग अलग है, तो वो क्या करेंगी, वो प्रकाश का अपवर्तन करेंगी, क्योंकि वो अलग अलग माध्यम बन गई है इस समय, तो वो प्रकाश का अपवर्तन करेंगी, तो उसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है भाई। तो तापमान में भी भिन्नता के कारण उनके प्रकाशिक घनत्व में भी अंतर आया है। प्रकाशिक घनत्व में भी भिन्नता से वो प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग दर से करती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कहीं पे आग जली हुई है, तो उसके ऊपर जो कोई वस्तु है, या मान लो आग जली है और उसकी दूसरी साइड में हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं, तो वो वस्तु हमें थोड़ी थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो आग होती है उसके ऊपर की जो वायु है वो अधिक गर्म हो गई, और गर्म होने से वो होगी विरल। विरल मतलब भाई उसका प्रकाशिक घनत्व हो गया कम, और जो दूसरी ठंडी वायु होती है उसका प्रकाशिक घनत्व है अधिक। तो जब हम वस्तु को देखते हैं जो उससे प्रकाश आएगा, तो वो एक सघन माध्यम को क्रॉस करके आएगा और एक विरल माध्यम को क्रॉस करके आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अब वायु बार बार हिल रही है, क्योंकि वायुमंडल कभी स्थिर नहीं होता, वो बार बार हिलता रहता है, मतलब उसकी वो परिवर्तनशील है। अब जब उसके ऊपर की वायु गर्म तो होगी, लेकिन साथ में वो हिल भी तो रही है, तो वो वस्तु जो उसके पीछे है, जो हमें दिखाई दे रही है, तो वो भी हमें हिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है भाई। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वायुमंडलीय परतों का तापमान अलग अलग होने से वो अलग अलग माध्यम की तरह कार्य करती है, और अलग अलग माध्यम है तो अपवर्तन भी करेंगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। जिस प्रकार विक्षेपण के ऊपर आधारित था क्या इंद्रधनुष, कि विक्षेपण
में होता है सात रंगों में विभाजित हो जाना, उस पर आधारित क्या था कि इंद्रधनुष हमें दिखाई दिया। तो वैसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन पे आधारित है कुछ परिघटनाएं जो हमें दिखाई देती है। उनमें सबसे पहले है तारों का टिमटिमाना, भी तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है हम जानते हैं, और तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि तारों की दूरी अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा दूरी पे होती है। लेकिन तारों को अगर हम स्वच्छ आकाश में देखें तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। टिमटिमाने का मतलब क्या है कि उनका प्रकाश पहले थोड़ा कभी ज्यादा दिखाई देगा, कभी धीमा दिखाई देगा, कभी ज्यादा कभी धीमा, कभी ज्यादा कभी धीमा। ऐसा ही जैसे हम कोई कोई त्यौहार आता है तो हम लड़ियां लगाते हैं, उसमें कोई लड़ी बार बार ऐसे करती है तो हम कहते हैं कि ये तो टिमटिमा रही है। ऐसे ही जब तारे का प्रकाश हमारी आंखों में कभी अधिक पहुंचा कभी मंद पहुंचा तो हमें क्या लगेगा कि वह तारा टिमटिमा रहा है। तो उसके टिमटिमाने का कारण क्या होता है भाई? देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन उस तारे के टिमटिमाने का कारण है। कैसे होता है वो मैं अभी बताता हूं। देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ये तो मैं कारण यह मैंने भी बताया था कि जब तारे का जब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, जब सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है तो उसको वायुमंडल की बहुत सारी परतों को क्रॉस करना पड़ता है और वो अलग अलग माध्यम का कार्य करती है। तो वायुमंडल हमेशा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है तो उसका प्रकाशिक घनत्व बदल गया है तापमान के कारण। लेकिन तापमान से प्रकाशिक घनत्व तो बदल गया, चलो ठीक है, लेकिन वो स्थिर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक जैसा ही है और उसने जो अपवर्तन किया वो एक जैसा ही किया। वो वायुमंडल हमेशा परिवर्तनशील रहता है, तो परिवर्तनशील होने के कारण हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे। कैसे? जैसे देखो, अगर ऊपर से तारे का प्रकाश आया, उसने वायुमंडल में प्रवेश किया। देखो, जहां वायुमंडल की एक सीमा होती है, वायुमंडल वहीं तक है, उससे ऊपर तो बिल्कुल खाली ही है, वायुमंडल ही नहीं है। वहां तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा आएगा, उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उसका अपवर्तन होगा, और वायुमंडल के अंदर ही अलग अलग परतें हैं तो उसका बार बार अपवर्तन होगा। अब अगर अपवर्तन से सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों में तेज पड़े, क्योंकि उसने अपवर्तन तो कर दिया, ठीक है, वायुमंडल ने, क्योंकि उसकी अलग अलग परतें हैं और उनका तापमान अलग अलग है, तो इस कारण उसने अपवर्तन तो कर दिया, लेकिन वो साथ में परिवर्तनशील हैं वो परतें। हवा चल रही है तो परतें बार बार बदल रही है, तो कभी तो अपवर्तन हमारी आंखों में ज्यादा, मतलब प्रकाश अपवर्तन के बाद हमारी आंखों में ज्यादा पड़ेगा, कभी हो सकता है कि प्रकाश अपवर्तन के कारण कम पड़े हमारी आंखों में। तो ये चलता रहता है, कभी अपवर्तन हमारी आंखों की तरफ अधिक हो जाएगा, कभी अपवर्तन हमारी आंखों की तरफ कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, हमें वह तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उससे जो आने वाला प्रकाश है कभी हमारी आंखों में अधिक पहुंच रहा है, कभी कम पहुंच रहा है, तो इस कारण हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है भाई, ग्रह जो होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते। वैसे तो ग्रह जब हम दूरबीन से देखते हैं तो ग्रह भी दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह टिमटिमाते नहीं है। क्यों? देखो भाई, अगर कोई वस्तु बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की है, और उससे आता है प्रकाश, तो वायुमंडल उसके प्रकाश को अपवर्तित कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्रकाश देने वाली वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सोर्स है, तो उससे आने वाले प्रकाश को वायुमंडल अपवर्तित नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें जो ग्रह है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते। दूसरा कारण, अब ये मत समझना कि ग्रह जो होते हैं वो ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, वो बात ठीक है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं है वो हमें दिखाई देती है, तो ग्रह भी दिखाई देंगे। क्यों? सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और वो हमारे आंखों में पहुंचता है, लेकिन वो ग्रह हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता। उसका कारण यह है कि वह बहुत बड़े साइज का है, क्योंकि वो नजदीक होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स, जो जितने बाकी के तारे हैं जो वो बहुत ज्यादा दूरी पे हैं और वो छोटे हैं, वो पॉइंट साइज के दिखाई देंगे। लेकिन जो ग्रह होता है वो बहुत बड़ा होता है, उससे आने वाली रोशनी भी अधिक होती है, जिसका अपवर्तन इतना अधिक नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें स्थिर दिखाई देगा। ठीक, ये तो हो गया तारों का टिमटिमाना। उसके बाद है तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। जो तारा जिस स्थिति पे होता है ना वास्तव में,
वो उससे थोड़ी सी ऊंचाई में दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। कैसे? देखो मान लो ये तारा है और इससे सूर्य का प्रकाश, सॉरी ये तारे से प्रकाश यह आया और ये हमारे वायुमंडल है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से वायुमंडल स्टार्ट होगा। जैसे ही इसका प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा इस बिंदु पे, हमें पता है वायुमंडल तो सघन है, यहाँ तो विरल माध्यम, यहाँ सघन माध्यम, तो प्रकाश क्या करेगा? वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अगर इस बिंदु पे हम 90 डिग्री का कोण बनाए, देखो ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जो है ये कोण, तो यह अभिलंब की तरफ झुक गया। यहां हम खड़े हैं पृथ्वी के ऊपर और हमारी आंखों में प्रकाश पहुंचा, यहां हम खड़े हैं हमारी आंखों में प्रकाश पहुंचता है तो हमें तारा दिखाई देगा, लेकिन ये प्रकाश ये जो आ रहा है हमें तो ऐसा ही दिखाई देगा ना कि सीधा हमारी आंखों में पहुंच रहा है। जो वस्तु हमें सीध में दिखाई देगी हमें तो यही लगेगा कि वो वस्तु वहीं पर रखी हुई है, तो हमें वस्तु क्या दिखाई देगी? ये यहाँ पे दिखाई देगी, जबकि वास्तव में वह तारा कहाँ है? यहाँ है, लेकिन उसकी आभासी स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश हम यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं तो प्रकाश तो हमें ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा कि यहाँ से आया और यहाँ ऐसे आया, नहीं, हमें तो प्रकाश बिल्कुल सीधा आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे कि यहीं से आया है, जबकि वो यहाँ से नहीं आता, वो आता यहाँ से है, लेकिन इस तारे की आभासी स्थिति हमें यहाँ दिखाई दी। देखो थोड़ा अधिक ऊंचाई पे दिखाई दिया, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये वायुमंडल है इसने अपवर्तन किया, तो इस वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें इस तारे की आभासी स्थिति यहाँ पे दिखाई दी, ये थोड़ी ऊंचाई पे है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है, ये आभासी स्थिति है, ठीक है। इसलिए तारे हमें थोड़ा सा वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ये इसका कारण है। सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है, अभी इसका कारण क्या है? इसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। कैसे? जैसे वही कारण, जैसे देखो जब सूर्य तीज के नीचे होता है, मान लीजिए तीज है, जब सूर्य तीज के नीचे होता है तो इसकी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और वायुमंडल से परत से टकराएगी, तो इसको हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के बाद ये हमारी आंखों में पहुंचती है तो हमें क्या दिखाई देता है? ये ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य की किरण यहाँ से आई है, तो हमें सूर्य यहाँ पे दिखाई देगा, अस्त हो चुका है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये क्या है? ये सूर्य की आभासी स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। तो हमें सूर्य, मान लो ये तारे की जगह हम सूर्य समझ ले, तो सूर्य मान लो स्पीज के नीचे चला गया, मान लो ये स्पीज है तो ये स्पीज के नीचे चला गया, तो जब इसकी प्रकाश किरण यहाँ आई तो टकरा कर अपवर्तन के बाद हमारे आंखों में पहुंचती है तो हमें तो सूर्य यहाँ दिखेगा नहीं, हालांकि वो अस्त हो चुका है लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अस्त होने के उसके 2 मिनट बाद वो बिल्कुल नीचे जाएगा ना, बिल्कुल नीचे, जब उसका अपवर्तन बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो हमें वो उसकी आभासी स्थिति, उसकी आभासी स्थिति भी दिखाई नहीं देगी। तो 2 मिनट तक छिपने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है, ठीक है भाई। लेकिन उदय जब हो जाएगा, मान लो उदय होने से पहले भी तो यही स्थिति होती है, जैसे अभी उदय होने वाला है और उससे पहले तो यहाँ स्टेज के नीचे ही होगा ना, फिर आएगा ऊपर, तो 2 मिनट पहले जब वो यहाँ होगा तो सेम यही घटना होगी कि क्या होगा कि जब वो 2 मिनट पहले स्टेज के नीचे है तो उसकी कोई प्रकाश की किरण आई, उसका अपवर्तन हुआ तो हमें उसकी आभासी स्थिति यहाँ दिखाई दी, तो वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाएगा हमें, ठीक है भाई, बात समझ में आई। देखो 2 मिनट अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहा और निकलने से 2 मिनट पहले दिखाई देगा, तो टोटल कितने मिनट? 4 मिनट का फर्क पड़ गया, किसकी वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो हमें 4 मिनट अधिक दिखाई देगा सूर्य, क्यों? छिप गया है और अब इस चीज के नीचे है, छिप गया है तब भी 2 मिनट तक दिख रहा है, अभी इस चीज के नीचे ही निकला भी नहीं है, उदय भी नहीं हुआ तब भी दिखाई दे रहा है, बाद में निकलेगा 2 मिनट बाद, तो क्या हुआ? तो 2 मिनट छिपने के बाद और 2 मिनट उदय होने से पहले, 2-2 मिनट 4 मिनट अधिक हमें सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है भाई। तो ये थे कुछ कंसेप्ट आज के, जिसमें इंद्रधनुष विक्षेपण के ऊपर आधारित है, विक्षेपण पे कार्य करता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडल द्वारा अपवर्तन, क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग परतें हैं, उनका अलग अलग तापमान है, अलग अलग तापमान होने से प्रकाशीय घनत्व अलग अलग है, तो वायुमंडल का अपवर्तन भी अलग अलग करेगी। उसके बाद इस वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना,
तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं और सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार किताब से खुद से पढ़ लेना, फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।